उदाहरण 6, किरण AZ कोण A को समद्विभाजित करती है और B किरण AZ पर स्थित कोई बिंदु है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। दर्शाइए कि पहला, त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज AQB, दूसरा, BP बराबर BQ अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से सम दूरस्थ है। बच्चों, अब हम उदाहरण 6 पर बात करेंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने एक चित्र है जिसमें किरण AY और किरण AX मिलकर एक कोण बना रहे हैं A पर, और किरण AZ उनको समद्विभाजित कर रही है। ये हमें दिया हुआ है कि किरण AZ इस पूरे कोण A को समद्विभाजित कर रही है, और दूसरी चीज़ दी हुई है कि इस किरण AZ पर B एक बिंदु है जहाँ से हम AY और AX पर लंब डाले हैं। ये लंब क्रमशः BP और BQ हैं। तो ये सूचनाएं हमें दी हुई हैं, ये जानकारी हमें दी गई है। अब इसके आधार पर हमें सिद्ध करना है कि ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज APB और दूसरा AQB, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, और सर्वांग समता के आधार पर हमको ये सिद्ध करना है कि BP और BQ बराबर है, यानी बिंदु B दोनों किरणों से बराबर दूरी पर स्थित है। ये चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। आपको मालूम है कि इसके पहले के उदाहरणों में जिस तरह से हमने सर्वांग समता की गुण का उपयोग किया था, वैसा ही कुछ यहाँ भी हम करेंगे। अब देखिए, बहुत आसानी से आप इस काम को कर सकते हैं, अभी तक आपने काफ़ी अभ्यास कर लिया है। देखिए, जरा हम देखें इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से। पहले लिख लें हम त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP और त्रिभुज ABQ में। पहली चीज जो हमें दी गई थी कि कोण A को AZ समद्विभाजित करता है, इसका मतलब ये जो कोण बन रहा है पहले त्रिभुज का, वो दूसरे त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। इसे हम ज्यामिति की भाषा में लिखें, कोण PAB लिख सकते हैं हम। कोण PAB बराबर कोण QAB, ये कोण, इसे हम लिखें QAB, ये दोनों कोण बराबर हैं। और दूसरी जो हमें जानकारी दी गई है कि PB किरण AY पर लंब है, इसका मतलब यह हुआ कि ये कोण समकोण है। इसे भी हम लिख लें कि कोण APB, कोण APB बराबर दूसरे त्रिभुज में फिर से BQ किरण AX पर लंब है, इसलिए ये भी कोण समकोण होगा। इसे हम लिखें कोण AQB, कोण AQB ये दोनों समकोण हैं, इसलिए बराबर हैं। अब दो कोणों को हमने दोनों त्रिभुजों में बराबर किया। अब एक हमको जानकारी और चाहिए जो दोनों त्रिभुजों में बराबर हो। आप देख रहे हैं कि किरण AZ का जो भाग AB है वो दोनों त्रिभुजों में उपस्थित है, ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और नीचे वाले त्रिभुज में भी है। तो हम इसे दोनों त्रिभुजों का एक हिस्सा मान सकते हैं और लिख सकते हैं इसे कि भुजा AB बराबर भुजा AB। अब आप देखिए कि पहले त्रिभुज में ये कोण दूसरे त्रिभुज के इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि तीसरा कोण जो है वो भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग दो समकोण होता है। यदि दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है, तो तीसरा भी आपस में बराबर होगा। और भुजा ए बी दोनों त्रिभुजों में है, तो आप दो तरह से कह सकते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। एक तो प्रमेय आपने पढ़ा था, कोण कोण भुजा, सर्वांग समता की शर्त आपने देखी थी, उसके आधार पर भी आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कोण भुजा कोण के आधार पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये भी आप कह सकते हैं। तो इन तीनों परिणामों के आधार पर हम इस बात को लिख लें कि त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज
ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के। एक तो ये बात जो हमें सिद्ध करनी थी वो हमने सिद्ध कर ली, और दोनों त्रिभुज यदि सर्वांग सम है इसका मतलब इसकी शेष भुजाएं जो संगत है वापस से बराबर होंगी। इसका अर्थ हुआ कि भुजा बी पी और भुजा बी क्यू भी आपस में बराबर होंगी क्योंकि दोनों त्रिभुजों में ये भुजाएं संगत हैं। तो ये एक और कथन जो आपको मिल रहा है कि भुजा बी पी और बी क्यू बराबर है, बी पी बराबर बी क्यू। इस कथन को हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, यदि बी पी और बी क्यू दोनों बराबर हैं इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों भुजाओं से बिंदु B की जो लंबवत दूरी है वो बराबर है, यानी B से आपने P जो लंब डाला था BP और दूसरा लंब BQ, दोनों इस B बिंदु की दोनों किरणों से बराबर दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसे आप कह सकते हैं कि किसी कोण के समद्विभाजक पर स्थित बिंदु B उन दोनों किरणों से बराबर दूरी पर होता है। और यदि इसको आप व्यापक करें तो आप ये भी कह सकते हैं कि किसी कोण के समद्विभाजक पर स्थित कोई भी बिंदु कोण की भुजाओं से समान दूरी पर होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है जिसका उपयोग हमें आगे कई बार करना पड़ेगा। तो ये आपका उदाहरण 6 पूरा हुआ, और मुझे लगता है कि आप एक बार फिर से इसे करें तो बहुत आसानी से कर पाएंगे।